लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव के लिए विधानसभा सीट तय हो गई है। लगभग करीब 2 महीने से चल रहे सियासी हलचलों में विराम लगाते हुए चंपावत विधायक कैलाश चंद्र गैतोड़ी ने आज अपनी सीट चंपावत से इस्तीफा दे दिया है। विधायक कैलाश गैतोड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को अपना इस्तीफा सौंपा। सीएम धामी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके लिए अपनी सीट खाली करने का सबसे पहला प्रस्ताव कैलाश गैतोड़ी ने ही दिया था। दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए गैतोड़ी ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ते हैं तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी और साथ ही यह चंपावत के लिए सौभाग्य की बात भी होगी। खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैलाश गैतोड़ी को कोई बड़ा तोहफा दे सकते हैं। कयास है कि मुख्यमंत्री धामी कैलाश गैतोड़ी को कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा दे सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी के चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ने के समीकरणों की बात करें तो चंपावत के बनबसा और टनकपुर क्षेत्र में पिथौरागढ़ के लोग रहते हैं, इससे सीएम पुष्कर सिंह धामी को काफी लाभ मिल सकता है। इसी के साथ चंपावत सीट मुख्यमंत्री धामी की पारंपरिक सीट खटीमा से भी लगती है और यहाँ पर पिथौरागढ़ के मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे ये तो तय हो गया है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस पुष्कर सिंह धामी के सामने किस शूरवीर को खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।